गुड इवनिंग। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कौशल बढ़ाना और शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें हम टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इजी व्यापम में कौशल बढ़ाना में 25 नंबर के कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर के 30 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपको टेस्ट देना है तो आप लोग अपने हिसाब से टेस्ट दे सकते हैं कि 30-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको कितना सही बनता है कितना गलत बनता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य करना, शेयर करना है। डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट से। एग्जाम में हमेशा हर एक एग्जाम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड से एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड डॉट डॉट का मतलब रिक्त सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट कौन सा वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर है? आवेदन, कंपाइलर, प्रणाली या विभाग? कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सभी लोग टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड जो है कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका? आवेदन, कंपाइलर, प्रणाली या विभाग? मेरी आवाज अब क्लियर आ रही कि नहीं एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका आंसर आपका होगा ए, आवेदन। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड है आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसी को हम क्या कहते हैं? आवेदन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, अगर आप लोग इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सेकंड का आंसर ए होगा या सेकंड का आंसर बी होगा या तीसरा का आंसर ये होगा, इस प्रकार के। ठीक, तो यह जो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर इस वीडियो पे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। एमएस वर्ड कौन सा नहीं है? देखिएगा, जो एमएस वर्ड है कौन सा नहीं है, तो एमएस वर्ड इटैलिक, जादुई उपकरण, यहाँ पर कमेंट ना करें बहुत। हाँ, यहाँ पर मैं ब्लॉक कर दूंगा फिर। कौन या गोल्ड, इसका आंसर क्या होगा? तो सेकंड का आंसर आपका होगा बी, जादुई उपकरण, जो ही उपकरण जो है एमएस वर्ड में नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, जबकि आपका इटैलिक, फॉन्ट और बोल्ड क्या होता है, एमएस वर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करने के लिए कौन सा उपयोग नहीं किया जा सकता? इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जॉयस्टिक, रिकॉर्ड, लाइट पेन या माउस? प्रिंटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एंटीवायरस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका वीडियो कल आपको मिल जाएगा पीडीएफ के साथ। अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, इस टॉपिक का पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिनको अगर इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। रुकना ना चाहिए लाइक, है ना, क्योंकि हमारा जो परफॉर्मेंस है आप सभी के लिए बेहतर साबित होगा अगर आप कंटिन्यू करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करने के लिए किसका उपयोग नहीं कर सकते? किसका उपयोग नहीं कर सकते? जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक क्या है? खेलने का काम है। जॉयस्टिक एक गेम है। क्या है? एक गेम है जी। जॉयस्टिक क्या है आपका? एक प्रकार का गेम है, गेम खेलने का काम आता है जॉयस्टिक। जबकि रिकॉर्ड, लाइन पेन, माउस, ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये माउस है। ठीक, आपको देख पा रहे हो माउस है, इस प्रकार आप काम उपयोग करने के लिए किया जाता है। जैसे लाइट पेन, ये वाला जो लाइट पेन यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आपका जो टच स्क्रीन है, ये आपका टच स्क्रीन, ये सभी क्या है? ऑफिस में काम किया जाता है। कौन सा एमएस वर्ड संस्करण में नहीं है? ऐसा कौन सा है जो एमएस वर्ड, ठीक, एमएस वर्ड संस्करण में नहीं है? तो कौन से सन में नहीं है? 2003, 2007, 2010 या 1020? तो 1020 लिख गए ईस्वी है। ठीक है, तो कौन सा है जो एमएस वर्ड संस्करण में नहीं है? तो कौन सा नहीं है संस्करण में? तो आप बताएंगे ये 1020 जो है संस्करण में नहीं है, ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन डी। ठीक है, जबकि आपका 2003, 2007, 2010 में एमएस वर्ड का संस्करण है, यहाँ पर नहीं है। नहीं है टॉपिक वाले एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक, मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है, जो मानक कॉपी है और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है कौन सा है? टैग देखेंगे, ऑप्शन ए, बी है तलाक संवाद बॉक्स, कार्यालय क्लिपबोर्ड, ये सभी।
तो मानक कॉपी और पेस्ट के कमांड के साथ काम करता है, वो आपको कौन सा हो जाएगा, कार्यालय क्लिपबोर्ड, कार्यालय क्लिपबोर्ड। ठीक, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, ठीक, क्लिपबोर्ड आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन करेंगे। किसी पृष्ठ पर मुद्रण क्षेत्र का रिक्त स्थान क्या होता है, जो मुद्रण क्षेत्र होता है उसका रिक्त स्थान कौन सा होता है, क्लिप आर्ट, अंग्रेजी हेडर, पाथले। तो इसका आंसर कौन सा होगा, छठवां का आंसर आपका बी होगा, अंग्रेजी, जो कि मुद्रण पे ना जो लिखा जाता है पृष्ठ पर वो आपका होगा। सातवां का है, निम्न में से कौन सा पेज है जो ओरिएंटेशन का उदाहरण है, ऐसा कौन सा पेज है जो आपके ओरिएंटेशन के लिए उदाहरण है, तो लैंडस्केप, सबखंड, सुपर फास्ट है या A4। तो पेज पूछा गया है, पेज, तो कौन सा होगा इसका आंसर, लैंडस्केप। ओके, इसका आंसर ए होगा। ठीक, फॉर्मेटिंग का कार्य क्या किया जाता है, फॉर्मेटिंग में क्या काम करते हैं, पार्ट, गांव, मेनू या ए और बी दोनों, तो फॉर्मेटिंग में क्या काम करते हैं, फॉर्मेटिंग में पार्ट करते हैं और गांव में फॉर्मेटिंग का काम करते हैं, इसका आंसर होगा। चलिए आप सभी को मालूम होगा, बायोडाटा बनाने के लिए जब हम बायोडाटा बनाते हैं तो निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं बायोडाटा बनाने के लिए, सभी को मालूम होगा, MS Excel, MS Word, देवसी, जावा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फटाफट, आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, कमेंट करके अवश्य बताएंगे। बायोडाटा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बायोडाटा बना सकते हैं वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। वर्ल्ड, अभी क्या बन रहा है, MS Word, MS Word, तो MS Word में ही बनाएंगे ना जी बायोडाटा, एक्सेल में नहीं बनाएंगे। ठीक, ऑफिस में काम आता है एक्सेल। MS Word अध्ययन में सहायता, अंग्रेजी सहायता के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, कौन से की का प्रेस करते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, F1, F2, F9 या F11। तो MS Word में अंग्रेजी में सहायता के लिए, अंग्रेजी जो है उसकी सहायक के लिए कौन सा आएगा, F1, F1, इसको याद रखना, हेल्प करना, मतलब आप पढ़ोगे फंक्शन की, यानी कि F1 से लेकर F12 तक आपने जो पढ़ाई किया है फंक्शन की, इसमें एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन उठा कर दे देता है, जैसे F1 क्या करेगा, हेल्प करेगा, F1 आपका हेल्प करेगा, F2 आपका क्या करेगा, मदद करेगा, F3 क्या करेगा, ओपन करेगा, इस प्रकार यानी एग्जाम में पूछते हैं। ठीक, मालूम है ये कि F5, F5 आपको फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स, F4 कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ये आपको क्या करता है, जो चल रहे प्रोग्राम को बंद करता है F4, जबकि F7 क्या करता है, F7 स्पेलिंग को चेक करता है, F11 क्या करता है, जूम आउट जूम इन, और F12 आप सेव एज बटन। ठीक, इतने सारे एग्जाम में पूछता है। एक मानक अध्ययन के साथ नाम और मानदंड को सांकेतिक करने की क्षमता जो है किसका होगा, इसका आंसर सी होगा, मेल मर्ज, जब हम मेल मर्ज करते हैं तो ये आपका हो जाता है। ठीक, चलिए, कौन हमें एक ही पत्र में विभिन्न लोगों को रोजगार सक्षम बनाता है, ऐसा कौन सा पत्र है जो विभिन्न बहुत सारे लोगों को रोजगार में सक्षम सहायता बनाता है, क्या है इसका आंसर, मेल मर्ज, इसका आंसर सी होगा। संभावना, एक वर्ल्ड वर्ल्ड पैटर्न का उपयोग किया जाता है किसका, खर्च के लिए किए गए पैसे का, खाता या मीडिया सेंटर में कंप्यूटर पर खोजे या एक सूची बनाए रखे या एक संजीवनी टाइप करे, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर डी होगा, एक जीवनी टाइप करना। ठीक, वेरी गुड। गटर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो देखिए रिज्यूमे में जो मुद्रण समय पर पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है, इसका आंसर सी होगा। आमतौर पर किसका उपयोग करके फॉन्ट कमांड टूलर उपयोग के तत्काल के लिए रिच तक किया जाता है, तो क्या आएगा इसका आंसर बताएं, 15 का बी उपकरण स्टिप, इसका आंसर होगा बी उपकरण स्टिप्स। बस 25 क्वेश्चन पढ़ लो, ऐसे ही डेली में क्लास रेगुलर लेकर आऊंगा।
तो हमारा परफॉर्मेंस आपको देखो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर देना, या आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या करोगे, पहले वीडियो को लाइक करना, दूसरा बात सब्सक्राइब करना, ठीक, ताकि मैं जैसे ही ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जहां तक पाठ है, कौन सा पट्टी वर्तमान में स्थित है, प्रयोगशाला बार, मेनू बार, स्कूल बार या स्टेटस बार, जहां तक पाठ वहां कौन सी है पट्टी जो वर्तमान में स्थिति में है, वर्तमान स्टेटस बार, स्टेटस बार याद रखना, स्टेटस बार। एमएस वर्ल्ड में दसवीं सभी पाठ्य सामग्री का चयन कैसे करते हैं, एमएस वर्ल्ड तो कैसे करते हैं, एमएस वर्ल्ड में कंट्रोल प्लस वन इसको दबाने से हो जाता है, कंट्रोल प्लस भी क्या है पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी क्या है याद रखना, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है कट करने के लिए, ठीक। कैप्स लॉक ये सब पढ़े होंगे, सार्वजनिक वर्ल्ड निबंध का कोई भाग नहीं है, तत्काल टूल बार, स्टेटस मेनू बार, होम पैनल या विकल्प देखें क्या होगा, इसका आंसर है विकल्प देखें, विकल्प ऑप्शन देखना है ऑप्शन, ओके। किसी शब्द का अनुवाद का नाम किसमें दर्शाया गया है, ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो अनुवाद ट्रांसलेटर का नाम दर्शाया जाता है, एक फीट में, बौद्ध बार में, स्टेटस बार में, होम टैग में, क्या होगा, पुलिस का आंसर कमेंट करके बताएंगे, इसका आंसर होगा होम टैग, होम टैग, ठीक, होम टैग याद रखना, ओके। प्रत्येक पंक्ति यानी कि हर पंक्ति में वर्ड स्टार में कितनी संख्या स्टिकर को शामिल किया जा सकता है, कितने स्टिकर, 20, 35, 65 या 75, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 65 याद रखना, प्रत्येक पंक्ति में हर पंक्ति में वर्ड स्टार में, ठीक, क्या है वर्ड स्टार याद रखना, वर्ड स्टार में, ठीक, वर्ड स्टार में जो संख्या है स्टिकर का शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा वर्ड है शोल्डर सॉफ्टवेयर है, वर्ल्ड परफेक्ट, वर्ल्ड पैड या अतिरिक्त वर्ल्ड या उज्ज्वल, इसका आंसर 21 का आपका होगा डी उज्ज्वल। कौन सा फाइल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड से शुरू होती है, कौन सा वर्ल्ड है बताइएगा, विन वर्ल्ड एक्स से, वर्ल्ड एक्स से, माइक्रोसॉफ्ट एक्स से या वर्ल्ड 356 एक्स से, आंसर क्या होगा, 22 का आंसर होगा आपका बिल्कुल सही जवाब, आंसर ए आ रहा है, विन वर्ल्ड एक्स से, ऑप्शन ए, वेरी गुड, कितने लोगों को सही आया, वेरी गुड। कंट्रोल प्लस एन का मतलब क्या होता है, आखिरी बच्चा आलेखना एक नया उपन्यास विश्लेषण बंद करना, तो कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है एक नया उपकरण या नए उपकरण को खोलना या उपन्यास, इसका आंसर सी होगा। रेज्यूम विजार्ड से बाहरी यात्रा और रेज्यूम विजार्ड के बिना रेज्यूम विजार्ड संवाद बात में किसी भी पैनल में कौन सा बटन क्लिक करते हैं, रद्द करें, वापस, अतिरिक्त, समाप्त, इसका आंसर कौन सा होगा, तो 24 का आंसर डी होगा समाप्त, ठीक। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 25वां, वर्ल्ड क्रॉस रेफरेंस के रूप में क्या डाला जाता है, वर्ल्ड में जो क्रॉस है रेफरेंस है उसमें क्या डाला जाता है, स्थान धारक, बुक मार्क, भगवान, शब्द स्केप, इसका आंसर होगा 25 का डी शब्द स्केप, शब्द स्केप। इसके बाद कल वीडियो आपका आएगा, इसको याद रखना, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का आएगा जिसमें 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और आपका मैथ्स का क्वेश्चन कल देखने को मिलेगा, मैथ्स का, कंप्यूटर, एक मिनट यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा क्या क्या कल आपको पढ़ के आना है, ठीक। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीजी व्यापम जैसे परीक्षा, हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल वार्डन, ठीक, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला परिचारक, लैब टेक्नीशियन या फिर शिक्षक भर्ती प्रयोगशाला परिचालक, तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा या फिर हमारे YouTube चैनल पर इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर
इस चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक। मैं बात करूँ यहाँ पर, नोट यहाँ याद रखिएगा कि कल आपका टॉपिक किस चीज को पढ़ के आना है। तो कल आपको बाल मनोविज्ञान का टॉपिक रहेगा, बाल मनोविज्ञान का, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा, इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो, जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप दिया गया है। बाल मनोविज्ञान, कंप्यूटर, ओके, उसके बाद मैथ्स है, तीनों की क्लास कल एक साथ देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करना, ठीक। तो आज के फिर इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।